ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हरे कृष्ण तो प्रभु जी हम सब कल कहां तक सुने थे याद है किसी को? तो श्रीमद् भागवत हम लोग सुन रहे हैं और स्कंद दूसरा चल रहा है। भागवतम में जो 12 स्कंद है और उसमें अभी दूसरा स्कंद का हम लोग 9वां अध्याय सुन रहे हैं। और हम लोग यहाँ तक सुने हैं कि जो भगवान के माया से जो मोहित होता है, अगर वो भगवान की शरण में जाता है तो माया से छूट जाता है और वो हमेशा आनंद में रहता है। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही बात मैं तुम्हें सुनाता हूँ। और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं परीक्षित जी से कि जो ब्रह्मा जी तपस्या किए थे, जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो इनको तप शब्द सुनाई दिया, तो ये तपस्या किए और उस ये निष्कपट भाव से तपस्या किए तो भगवान का इनको दर्शन हुआ, भगवान इनको दर्शन दिए और परमार्थ का जो वस्तु है, जो भगवान से संबंधित जो भी है, उसका उपदेश किए और कह रहे हैं कि जो भगवान ब्रह्मा जी से सुनाए वही मैं तुमको क्या कर रहा हूँ, सुनाता हूँ। तीनों लोकों के परम गुरु आदि देव ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे। और उस समय जो तीनों लोकों के परम गुरु हैं आदि देव, जो ब्रह्मा जी, तो इनका जन्म स्थान कमल है, उस पर बैठ करके और सृष्टि के करने के लिए वो विचार करने लगे। लेकिन ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था और जो सृष्टि व्यापक के लिए वांछित है वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई। ज्ञान दृष्टि से सृष्टि हो सकता था लेकिन वो ज्ञान इनके अंदर नहीं था, उस समय ब्रह्मा जी के अंदर ये ज्ञान नहीं था। एक बार दिन वे
यही चिंता कर रहे थे कि प्रलय के समुद्र में उन्होंने व्यंजनों के 16वें एवं 21वें अक्षर त तथा प को तप करो इस प्रकार दो बार सुना, और जैसे यही सोच रहे थे और कमल पे बैठे थे उसी समय इनको ये शब्द सुनाई दिया तप, इनको ये शब्द सुनाई दिया तप, तप करो, और ये शब्द इनको दो बार सुनाई दिया, ब्रह्मा जी को दो बार सुनाई दिया। परीक्षित, महात्मा लोग इस तप को ही योगियों का धन मानते हैं और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित से कि ये जो महात्मा लोग हैं, योगी लोग हैं, ये तप को ही अपना धन मानते हैं। तो जो व्यक्ति भी तपस्या करता है वो हर तरह से क्या रहता है, सही रहता है। तप का अर्थ क्या होता है कि कष्ट उठाना, अपने आप को भगवान के लिए क्या करना, कष्ट उठाना, कष्ट को ही क्या कहते हैं, तपस्या। जैसे तपस्या सभी व्यक्ति कर रहे हैं, घर परिवार का सेवा करने के लिए जो भी हम सब नौकरी कर रहे हैं तो ये कष्ट है, जो भी हम लोग परिश्रम करते हैं तो वो कष्ट ही है, लेकिन ये क्या है, तपस्या है कि उन लोगों का सेवा कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो भी भगवान को अच्छा लगता है और जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, जो बताते हैं ये करो, ये खाओ पियो और ये मत करो, ये मत खाओ पियो, वैसा जो भी अपना पालन करता है तो वो कष्ट कहलाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति व्रत करता है लेकिन भूख लगता है, लेकिन उसके अंदर ये है कि नहीं मैं व्रत रखा हूँ इसलिए खाना नहीं है, तो इच्छा है, भूख है खाने के लिए, लेकिन ये अंदर है कि हम व्रत किए हैं इसलिए खाएंगे नहीं, तो कष्ट होता है। तो तपस्या कष्ट को ही क्या कहते हैं, तपस्या। तो इसलिए ये योगियों का बहुत बड़ा धन है तपस्या। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने वक्ता को देखने की इच्छा से चारों ओर देखा, परंतु वहां दूसरा कोई दिखाई न पड़ा। ये जब आकाशवाणी सुनाई दिया तप, तो ब्रह्मा जी चारों तरफ देखते हैं, लेकिन इनको कुछ भी कोई दिखाई नहीं दिया। वे अपने कमल पर बैठे हुए बैठ गए और मुझे तप करने की प्रत्यक्ष आज्ञा मिली है ऐसा निश्चय कर और उसी में अपना हित समझकर उन्होंने अपने मन को तपस्या में लगा दिया। कह रहे हैं कि जब कोई दिखाई नहीं दिया कि कहां से आवाज आया, कौन बोल रहा है, तो ये समझे कि हमको तप करने के लिए आज्ञा मिला है, किसी का आदेश मिला है। उस प्रकार से वो क्या किए, वहीं पर आसन लगा करके और मन को तपस्या में क्या किए, लगा दिए। ब्रह्मा जी तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की जो ब्रह्मा जी हैं ये तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी हैं। उनका ज्ञान अमोघ है, उन्होंने उस समय 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन, कर्मेंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों को वश में करके ऐसी तपस्या की जिससे वे समस्त लोगों को प्रकाशित करने में समर्थ हो गए। और ब्रह्मा जी जो हैं ये अमोघ हैं और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि इस प्रकार से 1,000 दिव्य वर्ष, जो देवताओं लोगों का गणना होता है उसके हिसाब से 1,000 वर्ष, देवताओं के वर्ष गणना के अनुसार 1,000 दिव्य वर्ष तक एकाग्र चित्त से अपने प्राण, मन और जो भी कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, इसको वश में करके और तपस्या किए। कौन तपस्या किए? ब्रह्मा जी। इस प्रकार से और वो तप के प्रभाव से इनके अंदर भी बहुत ही प्रकाश आ गया, पूरे लोगों को ये प्रकाशित करने लगे, इसमें समर्थ हो गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना वह लोक दिखाया जो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे परे कोई दूसरा लोक नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि उनकी तपस्या से, ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान बहुत प्रसन्न हुए
और उनको सर्वश्रेष्ठ लोक दिखाए जो कि सारे लोकों में क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके उससे श्रेष्ठ और दूसरा कोई लोक नहीं है। उस लोक में किसी भी प्रकार के क्लेश, मोह और भय नहीं है। कह रहे हैं कि उस जो लोक है वह लोक, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं है, मोह नहीं है और भय नहीं है। इस प्रकार से वो लोक है। जिन्हें कभी एक बार भी उसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे देवता बार बार उसकी स्तुति करते रहते हैं। कह रहे हैं कि अगर जिस किसी को भी उस लोक का अगर एक बार दर्शन होता है तो देवता लोग बार बार उसकी स्तुति करते हैं। किसकी स्तुति? जो भी भगवान के अनुगत भक्त हैं या जो भी भगवान के धाम में रहते हैं उनका स्तुति देवता लोग भी करते हैं। जैसे नारद जी, नारद जी भी कहीं जाते हैं तो वो क्या है, पूजनीय है और उनका स्तुति भी किया जाता है। वहां रजोगुण, तमोगुण और इनसे मिला हुआ सत्वगुण भी नहीं है। कह रहे हैं कि उन भगवान के लोक में रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का कोई भी नाम निशान नहीं है। वहां न काल की दाल गलती है और न माया ही कदम रख सकती है। और कह रहे हैं कि वहां काल का दाल भी नहीं गलता है, वहां मृत्यु है ही नहीं। और कह रहे हैं कि माया भी वहां कदम नहीं रखती है, माया का प्रभाव वहां पे नहीं है। फिर माया के बाल बच्चे तो जा ही कैसे सकते हैं? अगर मान लीजिए, कह रहे हैं कि अगर माया के कुछ बाल बच्चे हों तो वो जा कैसे सकते हैं? जब माया ही खुद नहीं जा सकती है तो अगर इसके जो भी छोटे छोटे हों ये कैसे जा सकते हैं? वहां भगवान के वे पार्षद निवास करते हैं जिनका पूजन देवता और दैत्य दोनों ही करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए कितना अद्भुत बात कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। कह रहे हैं कि जो भगवान का धाम है उसमें भगवान के पार्षद निवास करते हैं जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, और उन पार्षदों का पूजा देवता लोग भी करते रहते हैं। उनका उज्जवल आभा से युक्त श्याम शरीर, सतदल कमल के समान कोमल नेत्र और पीले रंग के वस्त्र से शोभायमान है। और जो भी वहां पे हैं वो भगवान का ही स्वरूप वहां पे प्राप्त हुआ है। कह रहे हैं कि उनका शरीर का जो अंग कांति है ये श्याम शरीर है, और कमल के समान उनके नेत्र हैं और पीले रंग के वस्त्र शोभा दे रहे हैं शरीर पे। अंग अंग से राशि राशि सौंदर्य बिखरता रहता है। वे कोमलता की मूर्ति हैं और भगवान के अंग अंग से बहुत ही सौंदर्य बिखरता है और वो कोमलता की मूर्ति हैं। बहुत ही भगवान मधुर हैं और बहुत ही प्रिय हैं। सभी के चार चार भुजाएं हैं और भगवान के साथ जो भी वहां पे हैं सबका वहां पे चार भुजा है। वे स्वयं तो अत्यंत तेजस्वी हैं ही, मणि जटित सुवर्ण के प्रभावमय आभूषण भी धारण किए रहते हैं। कह रहे हैं कि उनका तेज तो स्वयं है ही है, लेकिन उसके ऊपर जो मणि का ये आभूषण धारण करते हैं इससे और प्रकाशमान लगते हैं। उनकी छवि मूंगे वैदूर्य मणि और कमल के उज्जवल तंतु के समान है, और उनका जो दृश्य है, छवि है उनका, ये वैदूर्य मणि के समान और कमल का जो तंतु है एकदम कोमल कोमल खिला हुआ उसके जैसा जान पड़ता है। उनके कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और कंठ में मालाएं शोभायमान है। और भगवान के कानों में कुंडल है, मस्तक पे मुकुट है और कंठ में माला पहने हुए हैं। जिस प्रकार आकाश बिजली सहित बादलों से शोभायमान होता है, वैसे ही वह लोक मनोहर कामनियों की कांति से युक्त महात्माओं के दिव्य तेजोमय विमानों से स्थान स्थान पर सुशोभित होता रहता है।
कह रहे हैं कि जिस प्रकार जब बिजली कड़कती है तो आकाश का सुंदरता जिस समय लगता है, उसी प्रकार से वह लोक भी सुंदर लगता है जो वहां पे महात्मा लोग जो दिव्य रथ में बैठ करके और विचरण करते हैं, भ्रमण करते हैं। उस वैकुंठ लोक में लक्ष्मी जी सुंदर रूप धारण करके अपनी विविध विभूतियों के द्वारा भगवान के चरण कमलों की अनेकों प्रकार से सेवा करती रहती हैं। और कह रहे हैं उस वैकुंठ लोक में जो लक्ष्मी जी हैं, इनका बहुत ही सुंदर रूप हो जाता है और भगवान की सेवा के लिए इनकी जितनी भी विभूतियां हैं और भी अपने अंगों से बहुत सारा लक्ष्मी जी को प्रकट करके और सभी लक्ष्मी जी क्या करती हैं, सेवा करती हैं, भगवान के चरण कमलों का सेवा में हमेशा लगी रहती हैं। कभी कभी जब वे झूले पर बैठकर अपने प्रियतम भगवान की लीलाओं का गायन करने लगती हैं, तब उनके सौंदर्य और सुरभि से उन्मत्त होकर भौंरे स्वयं उन लक्ष्मी का गुणगान करने लगते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कभी कभी जब झूले पर बैठ करके लक्ष्मी जी और झूला झूलते हुए भगवान के लीला का गुणगान करती हैं, तो उस समय उनका बहुत सुंदरता बढ़ जाता है और जो भौंरे हैं ये लक्ष्मी जी का गुणगान करने लगते हैं। इस प्रकार से वहां का दृश्य हो जाता है। ब्रह्मा जी ने देखा कि उस दिव्य लोक में समस्त भक्तों के रक्षक लक्ष्मीपति, यज्ञपति एवं विश्वपति भगवान विराजमान है। और ब्रह्मा जी देखते हैं कि उस वह जो दिव्य लोक है इसमें समस्त भक्तों का रक्षक, जितने भी भक्त हैं उनके रक्षक और लक्ष्मीपति और यज्ञपति, यज्ञों के भी वो पति हैं। इसीलिए बताया जाता है कि जो यज्ञ का पूर्ण आहुति जाती है वो भगवान विष्णु को ही जाती है और विश्वपति, सारे विश्व के भी वो पति हैं। इसीलिए बताया गया है कि इस संसार में धोखा सबसे मिलता रहता है। शेख प्रभु जी बताते हैं कि कुछ माता पिता हैं बच्चों को धोखा दे देते हैं, या जो बच्चे हैं माता पिता को धोखा दे देते हैं, या भाई भाई को धोखा दे देता है, या दोस्त दोस्त को धोखा दे देता है, इस प्रकार से। तो भगवान कहते हैं कि हमको ही अपना माता पिता बना लो, हमको ही क्या करो, माता पिता बना लो, हम कभी छोड़ेंगे ही नहीं, या हमारे मित्र बन जाओ, हम तुमको कभी धोखा देंगे ही नहीं। और जो प्रेमी प्रेम करते हैं तो कहते हैं कि हमको ही प्रेमी बना लो, हम कभी भी तुमको छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से भगवान का बहुत प्रकार से जो है सेवा किया जा सकता है। और इस प्रकार से सेवा करने से हर समय व्यक्ति क्या रहेगा, शांतमय रहेगा और प्रसन्न रहेगा। उनका मुख कमल प्रसाद मधुर मुस्कान से युक्त है। और भगवान का जो मुख कमल है ये हमेशा उनके चेहरे पे मुस्कान रहता है, इतना मधुर मुस्कुराते हैं कि कोई भी देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। इस प्रकार से भगवान का मुस्कान है। आंखों में लाल लाल डोरियां हैं, बड़ी मोहक और मधुर चितवन है, ऐसा जान पड़ता है कि अभी अभी अपने प्रेमी भक्त को अपना सर्वस्व दे देंगे। कह रहे हैं कि उनके आंखों में लाल लाल डोरी के जैसा है और बड़ी मनोहर चितवन है, वो देखते हैं ऐसे नजरों से कि ऐसा जान पड़ता है कि वो अपने भक्तों को सर्वस्व दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। किसको, अपने भक्तों को। और सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहे हैं। और भगवान के सर पर मुकुट है और कानों में कुंडल है और कंधे पर पीताम्बर जगमगा रहा है। वक्षस्थल पर एक सुनहरी रेखा के रूप में श्री लक्ष्मी जी विराजमान हैं और सुंदर चार भुजाएं हैं। भगवान का सुंदर चार भुजा है और उनके वक्षस्थल पे, सीने पे लक्ष्मी जी क्या है, विराजमान है और भगवान की चार भुजाएं हैं। वे एक सर्वोत्तम और बहुमूल्य आसन पर विराजमान है और एक बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम आसन है और उस पे भगवान विराजमान है।
पुरुष प्रकृति महत्वत अहंकार मन दस इंद्रिय शब्द आदि पांच तन्मात्राएं और पंचभूत ये 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। और जैसे बताया जाता है कि इस सृष्टि को करने के लिए 25 तत्व मिल के सृष्टि होता है, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो 25वां तत्व होता है ये पुरुष, तो कह रहे हैं पुरुष प्रकृति और महत्त्व ये जो भी गिनाया जा रहा है कुल मिला के 25 है। कह रहे हैं कि ये खुद मूर्तिमान हो करके अपने स्वरूप में भगवान को चारों तरफ से घेर करके और खड़े हैं। तो जो भी हम सबके शरीर के अंदर है, जैसे सूंघने के लिए, स्वाद के लिए, इसके लिए अलग अलग प्रकार के देवता हैं, तो वैसे ही ये जो भी सृष्टि में जो भी मन और जो भी इंद्रिय हैं इसके अलग अलग देवता हैं, तो बता रहे हैं कि वो सभी लोग वहां पे भगवान के सामने साक्षात जा करके खड़े थे। समग्र ऐश्वर्य, और भगवान के अंदर बता रहे हैं कि जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, वही भगवान है। और संपूर्ण धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 नित्य सिद्ध स्वरूप भूति शक्तियों से वे सर्वदा युक्त रहते हैं। और भगवान के जैसा ऐश्वर्यवान कोई नहीं है, उनसे ज्यादा धनवान कोई नहीं है, और उनके इतना किसी का नाम नहीं फैला है, और उनके जैसा ज्ञानवान कोई नहीं है, और उनके जैसा वैरागी कोई नहीं है। वो सबसे बड़े वैरागी है। उनके अतिरिक्त तो और कहीं भी ये नित्य रूप से निवास नहीं करती। वे सर्वेश्वर प्रभु अपने नित्य आनंद स्वरूप में ही नित्य निरंतर निमग्न रहते हैं। कह रहे हैं कि उनको छोड़कर के ये जो 6 ऐश्वर्य है ये कहीं भी जाता नहीं है, और हमेशा नित्य ही भगवान अपने आप में ही क्या रहते हैं, आनंदमय रहते हैं और निमग्न रहते हैं। उनका दर्शन करते ही ब्रह्मा जी हृदय आनंद के उद्रेक से लबालब भर गया, शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। और कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जब उनका ऐसा दर्शन किए ब्रह्मा जी तो इनके आंखों में आंसू भर गया, इतना अंदर प्रेम आया इनके अंदर की, और इस प्रकार से उनका जो कंठ है ये अवरुद्ध हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के उन चरण कमलों में जो परम हंसों के निवृत्ति मार्ग से प्राप्त हो सकते हैं सिर झुकाकर प्रणाम किया। और ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों में जो परम हंसों के लिए हमेशा नित्य प्रति स्मरण किया जाता है, उन चरण कमलों में क्या किए, सिर झुका करके और प्रणाम किए। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ब्रह्मा जी के प्यारे भगवान अपने प्रिय ब्रह्मा को प्रेम और दर्शन के आनंद में निमग्न शरणागत तथा प्रजा सृष्टि के लिए आदेश देने के योग्य देखकर बहुत प्रसन्न हुए। और जो ब्रह्मा जी के प्यारे जो भगवान हैं, इस प्रकार से प्रेम में देख करके और सृष्टि करने के लिए और अपने शरणागत देख करके और बहुत ही भगवान प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए कि प्रजा सृष्टि के लिए ऐसा तपस्या किए हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी से हाथ मिलाया तथा मंद मुस्कान से अलंकृत वाणी में कहा। और ब्रह्मा जी से भगवान क्या करते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, और हाथ मिला करके और बहुत ही मधुर मुस्कान रखते हुए और अपने अलंकृत वाणी से, बहुत मधुरी वाणी से बोलते हैं। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में तो समस्त वेदों का ज्ञान विद्यमान है। अब भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी जो आपका हृदय है इसमें सारा वेद का ज्ञान विद्यमान है। तुमने सृष्टि रचना की इच्छा से चीर काल तक तपस्या करके मुझे भली भांति संतुष्ट कर दिया। और कह रहे हैं कि तुमने ये सृष्टि रचना के लिए बहुत दिनों तक तपस्या करके हमको क्या किए, भली भांति प्रसन्न कर दिए, संतुष्ट कर दिए।
मन में कपट रख कर योग साधन करने वाले मुझे कभी प्रसन्न नहीं कर सकते। और यहाँ पे भगवान अद्भुत बात कह रहे हैं कि जो मन में कपट रख करके और जो भी योग साधन करता है, कह रहे हैं कि वो हमको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, वो हमको कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसके लिए थोड़ा ही करना चाहिए, लेकिन मन और दिल से करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं कि अगर कुछ भी अर्पण किया जाता है या शरण में जाया जाता है, लेकिन श्रद्धा और भक्ति से, इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे स्वयं भगवान बता रहे हैं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो। और कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी जो भी अभिलाषा हो वो मुझसे वर मांग लो, क्योंकि मैं मुंह मांगी वस्तु देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा जी जीव के समस्त कल्याणकारी साधनों का विश्राम पर्यवसान मेरे दर्शन में ही है। और कह रहे हैं कि भगवान कि ब्रह्मा जी जो जीव का समस्त कल्याण है वो मेरे पर ही आकर के रुकता है। कह रहे हैं कि जितना भी मेरे दर्शन से ही सब कुछ सही हो जाता है। तो पद्म पुराण में मैं देखा था कि उसमें बताया गया है कि जो कोई भी चीज कभी कोई सोच नहीं सकता है कि हमारे जीवन में वो मिलेगा, या ऐसा है कि बहुत परिश्रम के बाद वो मिलेगा, लेकिन वो तपस्या करने से वो मिल जाता है, भगवान का भजन साधन करने से वो मिल जाता है। जो जीवन में कभी नहीं मिलने वाला हो और जो बहुत परिश्रम करने से मिलने वाला है, वो भगवान की भक्ति से क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुमने मुझे देखे बिना ही उस सुने जल में मेरी वाणी सुनकर इतनी घोर तपस्या की है, इसी से मेरी इच्छा से तुम्हें मेरे लोक का दर्शन हुआ है। और कह रहे हैं भगवान कि तुमने मुझे बिना देखे हुए केवल हमारा जो वाणी था वही सुन करके और इतना घोर तपस्या किए, इसके वजह से क्या हुआ कि तुमको हमारा लोक का ये दर्शन हुआ है, ये तपस्या के वजह से। तुम उस समय सृष्टि रचना का कर्म करने में किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे थे। और कह रहे हैं कि उस समय तुम सृष्टि रचना करने में तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसी से मैंने तुम्हें तपस्या करने की आज्ञा दी थी। कह रहे हैं कि इसके लिए ही मैं ही तुमको तपस्या करने के लिए आज्ञा दिया था, क्योंकि निष्पाप तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूँ। कह रहे हैं भगवान कि अगर निष्पाप भाव से किया गया तपस्या वो मेरा हृदय है। जो भी निष्पाप भाव से भजन भक्ति साधन या तपस्या करता है, कह रहे हैं भगवान कि वो हमारा हृदय है और मैं तपस्या का आत्मा हूँ, और जो तपस्या है उसका मैं आत्मा हूँ। तो जो भी तपस्या साधन किया जाता है वो साक्षात क्या है, वो भगवान है। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूँ, तपस्या से ही इसका धारण पोषण करता हूँ, और फिर तपस्या से ही इसे अपने में लीन कर लेता हूँ। तपस्या मेरी एक दुर्लभ शक्ति है। और भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि मैं तपस्या से इस संसार का सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ और संहार करता हूँ, और तपस्या से ही ये जो भी प्रलय होता है इसको मैं अपने अंदर समेट लेता हूँ, और ये तपस्या ही एक दुर्लभ शक्ति है, भगवान का ये दुर्लभ शक्ति है। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विराजमान रहते हैं। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान आप जितने भी प्राणी है उसमें आप साक्षी रूप में क्या रहते हैं, विराजमान रहते हैं।
तो हम जैसे देखते हैं कि किसी को धोखा देते हैं या किसी प्रकार से ठगते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको हमने तो उल्लू बना दिया, घुमा दिया, लेकिन भगवान से कौन बच सकता है, उनसे कौन बच सकता है, वो तो देख रहे हैं। जो व्यक्ति वो है ऐसा मूर्ख बन गया या ठगा गया वो तो अनजान है, लेकिन उसका साक्षी रूप में कौन है, भगवान है, तो वो देखते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं, जीव जिसमें भी जीव है उसमें आप साक्षी रूप से रहते हैं, तो सारा वीडियो रिकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, करते रहते हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। आप अपने अप्रतिहत ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं, और कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप तो यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। आप अपने ज्ञान से आप जानते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूं। नाथ आप कृपा करके मुझे याचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नाथ आप मुझ पर ऐसा कृपा कीजिए, याचक के जैसे, याचक जिस प्रकार से कोई मांगने के उद्देश्य से किसी के पास जाता है, वैसे ही कह रहे हैं कि हम आपसे याचना कर रहे हैं, तो आप जो रूप रहित और आपका जो सगुण रूप है वो और जो निर्गुण है वो, ये दोनों रूपों को मैं जान सकूं, ऐसा हम पर क्या कीजिए, कृपा कीजिए। तो भगवान सगुण और निर्गुण दोनों में है, लेकिन जो निर्गुण भक्ति है ये बहुत ही उच्च कोटि भक्ति है, ये कलयुग में संभव नहीं है। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। कह रहे हैं कि जो माया है उसके आप स्वामी हैं, और आपका जो भी संकल्प है, आप जो संकल्प कर लेते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। कह रहे हैं, उदाहरण एक दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक मकड़ी है वो अपने ही मुंह से जाला बनाती है और उसमें घूमती है, खेलती है, और फिर उसको सब खा जाती है, निगल जाती है। तो कह रहे हैं कि आप उसी प्रकार से सब ये सृष्टि करते हैं, उसका पालन भी करते हैं, और समय आने पे संहार करके अपने अंदर सब कुछ समेट करके और शयन भी करते हैं। तो ये क्या है, ये जो उदाहरण है ये भागवतम का है, और ये स्वयं ब्रह्मा जी दे रहे हैं, ये स्वयं ब्रह्मा जी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि प्रलय के समय सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश हो जाती है, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के उदर में प्रवेश हो जाते हैं, और उसके बाद से भगवान विष्णु क्या करते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। कह रहे हैं कि ये किस प्रकार से आप करते हैं यह मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान क्या कीजिए, हमको दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं, और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बंध न जाऊं। देखिए कितना अद्भुत ब्रह्मा जी बात कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि जो सहज, बहुत ही आसान से और बहुत ही सावधानी से मैं आपका आज्ञा का पालन करूं, जो आप आज्ञा देंगे हमको उसका मैं पालन कर सकूं, और सृष्टि रचना के समय ये हमको, हमारे अंदर ये ना आए कि यही ये मैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब भी मैं सृष्टि करूं तो कर्तापन का भाव मेरे अंदर ना आए कि मैं ही सब कुछ करता हूं।
लेकिन हम सब जीव में क्या है, जो भी हम सब करते हैं कहते हैं कि हम अपने बल पे अपने दम पे किए, लेकिन ब्रह्मा जी ये प्रार्थना करके भगवान से कह रहे हैं कि आप हमको ऐसा भी आशीर्वाद दीजिए कि हमारे अंदर ये अहंकार न आए कि मैं ही सृष्टि करता हूँ। प्रभो आपने एक मित्र के समान हाथ पकड़कर मुझे अपना मित्र स्वीकार किया है, और कह रहे हैं प्रभु आपने एक मित्र के जैसा मेरा हाथ पकड़ के क्या किया है, हमसे आप हाथ मिलाए हैं एक मित्र जैसे। अतः जब मैं आपकी इस सेवा सृष्टि रचना में लगूं और सावधानी से पूर्व सृष्टि के गुण कर्मानुसार जीवों का विभाजन करने लगूं, तब कहीं अपने को जन्म कर्म से स्वतंत्र मानकर प्रबल अभिमान न कर बैठूं। कह रहा है कि जब मैं आपकी सेवा करूं और ये जब सृष्टि करूं और जीवों का अलग अलग विभाजन करूं और जन्म और कर्म का जो स्वतंत्र है और प्रबल है ये मेरे अंदर अभिमान न हो जाए, ये भी प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ये सब करूं आपका कार्य संभालूं, लेकिन आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे अंदर ये अहंकार न आए कि मैं ही सब कुछ करता हूं। श्री भगवान ने कहा अनुभव प्रेमा भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें कराता हूं, और भगवान कह रहे हैं कि जो जो भी सेवा भक्ति से और साधन से युक्त और गोपनीय जो रहस्य है कह रहे हैं उस स्वरूप का मैं तुम्हें वह मैं ज्ञान मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। क्या कह रहे हैं भगवान कि तुम उसको ग्रहण करो। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो लक्षण है, मेरे जितने और जैसे रूप गुण और लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उनका तत्व ठीक ठीक वैसे ही अनुभव करो। और भगवान ये वर देते हुए कह रहे हैं कि मेरा जितना विस्तार है और मेरा जितना लक्षण है और जितना मेरा रूप है गुण है और लीला है, कह रहे हैं कि मेरी कृपा से तुम तत्व से ठीक ठीक वैसा ही समझ जाओ, अनुभव करो। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, और देखिए भगवान स्वयं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जब सृष्टि कुछ भी नहीं था तो कह रहे हैं उस समय केवल मैं ही मैं था और कोई नहीं था। मेरे अतिरिक्त न अस्थूल था न सूक्ष्म और न तो दोनों का कारण अज्ञान। कह रहे हैं कि मेरे अतिरिक्त न अस्थूल था दिखाई देने वाला और न ही दिखाई देने वाला, और ये दोनों का कारण जो अज्ञान है ये भी नहीं था, केवल मैं था, ये भगवान बता रहे हैं। जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ मैं ही मैं हूँ, और इस सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं ही हूँ, और जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं कि जब सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं हूँ, और सृष्टि के रूप में जो भी दिखता है वो भी मैं हूँ, और जब कुछ नहीं रहता है प्रलय हो जाता है तो भी वो जो बचता है लास्ट में वो मैं ही हूँ। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं, वास्तव में न होने पर भी जो कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती इसे मेरी माया समझना चाहिए। कह रहे हैं कि वास्तव में जो होने पर जो अनिर्वचनीय वस्तु है और मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा के, जैसे बताया जाता है कि अगर एक साइड से आंख दबा करके और देखा जाए तो चंद्रमा दो दिखते हैं, तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसा दो चंद्रमा जैसे मिथ्या जान पड़ता है, और ये आकाश मंडल में जो नक्षत्र है राहु, ये जिस प्रकार से इसकी प्रतीति होती है वैसे ही
इस माया को भी क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि जल है और जल में अगर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, लेकिन अगर हवा से या किसी डंडे से अगर हिलता है तो उसमें चंद्रमा भी हिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा हिल रहे हैं, वो क्या है, जल हिल रहा है। लेकिन ऐसा माया के वजह से और अज्ञान के वजह से लगता है क्या है कि चंद्रमा हिल रहे हैं, उस प्रकार से ये बता रहे हैं। जैसे प्राणियों के पंचभूत रहित छोटे बड़े शरीर में आकाश आदि पंच महाभूत उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश करते भी हैं और पहले से ही उन स्थानों और रूपों में कारण रूप से विद्यमान रहने के कारण प्रवेश नहीं भी करते, वैसे ही उन प्राणियों के शरीर की सृष्टि से मैं उनमें आत्मा के रूप से प्रवेश किए हुए हूँ और आत्म दृष्टि से अपने अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण उनमें प्रविष्ट नहीं भी हूँ। और कह रहे हैं कि जितने भी प्राणी हैं पंचभूत में, ये जो भी प्राणी हैं, तो शरीर से चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ये सबके अंदर मैं प्रवेश करके और रहता हूँ। और प्राणियों के अंदर जो आत्मा रूप में हूँ वो मैं ही हूँ। यह ब्रह्म नहीं, इस प्रकार निषेध की पद्धति से और यह ब्रह्म है इस अन्वय की पद्धति से यही सिद्ध होता है कि सर्वातीत एवं सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वदा और सर्वत्र स्थित हैं, वही वास्तविक तत्व है। और कुछ महात्मा लोग बताते हैं कि यह ब्रह्म नहीं, तो इस प्रकार से वही, और फिर कुछ कहते हैं कि यह ब्रह्म है, तो कह रहे हैं कि वो जो वास्तविक तत्व है वो मैं हूँ और सब जगह प्रतीत होने वाले और सर्वदा और सर्वस्थ स्थित हैं। कौन? भगवान। उन्हें केवल इतना ही जानने की आवश्यकता है, ब्रह्मा जी तुम अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। और कह रहे हैं भगवान की ब्रह्मा जी अविचल समाधि से जो मैं तुमको बताया इसमें क्या करो, पूर्ण निष्ठा कर लो, इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। और जब ऐसा कर लोगे तो हर कल्प में तुमको सृष्टि रचना करते समय किसी प्रकार का मोह नहीं रहेगा। सुखदेव जी कहते हैं लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। और परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हुए कह रहे हैं कि जो लोक पितामह ब्रह्मा जी हैं उनको अजन्मा भगवान उपदेश दे करके और उनके देखते देखते ही अपने रूप को क्या किए, वो छुपा लिए, वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने दृष्टिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांध कर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल्प में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। कह रहे हैं ब्रह्मा जी, ये सुखदेव गोस्वामी जी, कि जब ब्रह्मा जी देखे कि हमारे नजरों से ओझल हो गए भगवान, तो अंजलि बांध करके हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम किए और पिछले समय पिछले कल्प में जैसा सृष्टि थी वैसी ही सृष्टि का ब्रह्मा जी फिर से रचना किए। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विविध पूर्वक यम नियमों का धारण किया। और एक बार की बात है कि जो धर्मपति हैं और प्रजापति जो हैं ये ब्रह्मा जी, ये जनता के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए यम नियमों को क्या किए, धारण किए। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद जी ने
मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम विनय और सम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और कह रहे हैं कि जो भगवान के बहुत ही प्रेमी भक्त हैं और नारद जी के जो पुत्र हैं, ये ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद जी, ये भगवान की माया को तत्व से जानने के इच्छा से बड़े संयम और विनय से उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट किया और अपनी सेवा से नारद जी क्या किए, ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट किए। परीक्षित, जब देवर्षि नारद ने देखा कि मेरे लोक पितामह पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। और तब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जब देवर्षि नारद अपने लोक पितामह को प्रसन्न की कर लिए और देखे कि हम पर पिताजी प्रसन्न हैं, तो उन्होंने क्या किया, यह प्रश्न किया जो कह रहे महाराज परीक्षित को, जो तुम आज हमसे प्रश्न कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के क्या किए, ये 10 प्रकार का जो लक्षण वाला है श्रीमद् भागवत, ये अपने पुत्र नारद जी को सुनाया, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। परीक्षित, जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देवर्षि नारद ने वही भागवत उन्हें सुनाया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परीक्षित, जिस समय मेरे तेजस्वी जो पिताजी थे गंगा नदी के, सरस्वती नदी के तट पर और परमात्मा के ध्यान में निमग्न थे, उसी समय देवर्षि नारद आकर के और हमारे पिताजी को ये भागवत सुनाए। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, तथा दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उनका सबका उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। कह रहे हैं कि जितने भी प्रश्न पूछे हो परीक्षित, मैं ये सबका उत्तर वो भागवत से ही देता हूँ, भागवत पुराण के रूप में ही, ये नहीं कि इधर उधर से कह देना, प्रमाणित करके और उनको सुनाना। इस प्रकार से अध्याय 9 समाप्त हुआ और कल हम लोग सुनेंगे अध्याय 10, और अध्याय का नाम है भागवत के 10 लक्षण। जैसे भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण बातें हैं और भागवतम में कितना है, 10 है, तो 5 इसमें ज्यादा मिलता है, ये सब सृष्टि और सब कुछ आ जाता है। लेकिन भगवत गीता में क्या क्या आता है, भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय पे भगवत गीता में चर्चा मिलता है। और भागवतम में 10 पे 5 और बढ़ जाता है, तो वो 10 क्या है ये अच्छे से इस बारे में ये अध्याय में बताया जाएगा कि वो 10 लक्षण क्या है। ठीक है प्रभु जी। श्री श्री भागवतम ग्रंथराज महाराज की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंद। तो प्रभु जी, किसी का कुछ प्रश्न है या कुछ कहना है? अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। हमारा जो रूप है 2 महीना का, क्या क्या बाल का है, बाल ऐसा उसको नहीं होने के लिए भगवान के
अच्छा अच्छा तो बच रहे हैं ना। हाँ समझ गया। बाल क्या हो गए ऐसा करके रखने का टाइम तो आवर में उसका पास गया जल्दी खा लिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ उससे होना नहीं चाहिए। फिर भी हमारा दिल में आ, लेकिन भगवान को पुकारेगा तो राम होएगा, क्लियर होएगा। हरे कृष्ण। आप बोलिए प्रभु जी। घर में भी थोड़ा भ्रमण चल रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो ठीक है प्रभु जी, वो प्रभु जी का भी घर पे समस्या है, उनकी बच्ची का तबीयत वगैरह खराब है, तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। और वो प्रभु जी के भी घर में समस्या है, उनके लिए भी जो भी भक्त का जो समस्या है उनका निवारण हो, इसके लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो समस्या टल जाए, ताकि भजन साधन अच्छे से हो। और सभी भक्तों के घर परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। और उनके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा जिनको भगवान का नाम नहीं मिल रहा है, उनको भी भगवान का नाम मिले। हम लोग भगवान से तीन बार प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। कलिनाम पावन संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। समेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः एव च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्त वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंद हरि बोल। हरे कृष्ण। कल भीम प्रभु का रूम का तरफ से प्रसाद मिला। कल प्रभु जी तो वो प्रभु जी का ये भीम प्रभु जी हैं, इनके सभी रूम वाले प्रभु जी रूम की तरफ से पूरा नहीं सभी लोग साथी पार्टनर तो ये जितने भी रूम के सब भक्त लोग हैं, सबके सहयोग से जैसे हम लोग कल दही चिवरा का प्रोग्राम रखे थे, वैसे ही ये प्रभु जी का रूम के तरफ से इधर रहेगा। तो मेस में नहीं जाना है, सीधा इधर ही आ जाना है। और लेट सेट कितना बजे तक आ जाना है? 8:15-20 से पहले पहले आ जाना है, ठीक है। और 8:30 बजे नहीं, 8 बजे आना सही रहेगा। और 8:30 बजे तक जितना कीर्तन करना है करना है, उसके बाद से 8:30 बजे हम सब कथा सुनेंगे 9:30 बजे से पहले पहले, ठीक है। और उसके बाद प्रसादम रहेगा 10 बजे तक, कैसे मतलब सभी फ्री हो जाए। ठीक है प्रभु जी, पहले कर दीजिए। कल अभी उधर मंदिर का तरफ से भक्तों को हमारे गांव में आ रहे हैं, शनिवार को नगर संकीर्तन करने के लिए। उसके लिए अभी तो उधर हमारा गांव में कोई भक्त नहीं, हम दो ही भक्त हैं, हम और मेरा मामा है जेना। अच्छा अच्छा। हम लोग एक दिन आके देखा था, फिर वो लोग फोन किया, हम लोग 40 भक्त लोग आएगा नगर संकीर्तन करेगा। उसमें हमारा जो गांव वाला जो भी है वो सपोर्ट देना चाहिए वो लोग का, और सब मतलब अच्छे अच्छे होना चाहिए। इसके लिए भक्ति में आगे बढ़ा एक बार हम प्रार्थना। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी ये कार्य के लिए सफलता तो निश्चित ही मिलेगी। चार बार तीन बार हो गया, कोई कोई बात नहीं है। चलिए प्रसाद ले लीजिए प्रभु जी। नहीं नहीं बोल लीजिए, समय ज्यादा हो गया प्रभु जी। चलो बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। दो मिनट
नहीं बोल महाप्रसाद गोविंद ब्राह्मण राजन विश्वास शरीर विद्याचाल जड़े काहे का जीवे फले विशेषाग्रे तार मध्य जीवाहति एक साथ ताके जनता के संसारे कृष्ण बड़ा दया माए कृष्ण बड़ा दया माए कारी बारे जीवा जाए कारी बारे जीवा जाए जय रामृत बल पाओ जय श्री राधा कृष्ण गुना गाओ जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाई प्रसादम की जय गुरुपाद की जय अनंत कोटि में श्री भक्त बिंद की जय हरि बोल आज का आनंद की जय। और जिनको लेट हो रहा है प्रभु जी प्रसाद लेके जा सकते हैं ठीक है। क्या प्रभु जी प्रभु जी आप प्रसाद लीजिए हरे कृष्ण सब बढ़िया चल रहा है ना आ कर रहे हैं प्रभु जी बाजू में उधर खाली हो गया आप इधर दे रहे हैं